नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड फार्मिंग में। आज अपन चर्चा करेंगे प्याज की खेती के बारे में। जैसे कि अपने सर्दी के प्याज हो गए और गर्मी के प्याज हो गए, दोनों प्याज की खेती के बारे में अपन चर्चा करेंगे। किस तरीके से कब अपने को बुआई करनी है, कौन कौन सी इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू देनी है, किस तरह का अपन को इन्हें जो फंगस है, इंसेक्ट है, उनसे बचाना है, और किस तरीके से अपन प्याज का साइज बड़ा ले सकें और सुरक्षित रूप से प्याज को अपन बड़ा करके अपना उत्पादन बढ़ा सके, इसके बारे में अपन पूरी खेती की जानकारी लेंगे या इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआती बात करें अपन जो सर्दी के प्याज है, जो शीतकालीन प्याज है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शीतकालीन प्याज को जैसे अपन बुआई का क्या सिस्टम है, किस तरीके से अपने को इसके अंदर भाई रोपाई करनी है, कौन से टाइम पर करनी है, तो पहली मैं बात करूं तो अपने जैसे ही सर्दी के प्याज लगाते हैं उसके लिए अपन को भूमि का अच्छे से समतलीकरण करना है। उसके बाद उसके अंदर अच्छी सी अपने गोबर की सड़ी हुई खाद को अपने को उसके अंदर काम में लेना है पूरे खेत के अंदर, ताकि अपने प्याज की सही बढ़िया दे सके। अगर गोबर की खाद अच्छी तरीके से होगी तो प्याज की बढ़वार भी बढ़िया तरीके से होगी। तो अपन बात करें उसकी बुआई की, तो बुआई अपने सर्दी के प्याज की अपन अक्टूबर महीने के लगभग अपन सर्दी के प्याज की बुआई कर सकते हैं। और उसके बाद अपने को उसके अंदर जैसे कि भाई एक बार बुआई कर दी तो अपन उसके बाद में जो अगला पानी दे रहे हैं अपने प्याज को, तो उसके साथ अपने को कोई ना कोई एक अच्छा फंगीसाइड जैसे थायोफिनाइल मिथाइड हो गया, कार्बंडाजिम हो गया, मैनकोजेब हो गया, या फिर ब्लू कॉपर हो गया, दो तरह के फंगीसाइड आप मिक्स करके उसके अंदर चला दीजिए, ताकि उसके अंदर प्याज की जो अपनी गांठ है, बल्ब है, उसमें सड़न ना आए और अपना प्याज का खेत पूर्ण रूप से भरा हुआ रह पाए, उसमें अंदर जगह जगह भाई खाली नहीं हो। तो इस प्रकार से अपने को सर्वप्रथम फंगीसाइड काम में लेना है। उसके बाद में मैं बात करूं, चर्चा करूं भाई अपने को क्या क्या खुराकें देनी है प्याज के अंदर, जिससे अपने प्याज के बल्ब की सहित साइज बहुत ही अच्छी बन सके। तो शुरुआती फर्स्ट खुराक की बात करता हूं मैं, 20 दिन लगाने के ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद अपन जैसे भाई माइकोराइजा हो गया, उसके साथ अपन चिलिटेट जिंक हो गई, और उसके साथ अपन NPK काम में ले सकते हैं, ताकि पौधे की बढ़वार भी आ सके और बल्ब की साइज भी बढ़ने लगे। तो अपन दूसरे नंबर टॉपिक पे भाई दूसरी खुराक पे बात करें, जब प्याज अपना 1.5-2 महीने के करीबन हो जाए और भाई अंतिम खुराक दें जिससे अपना बल्ब का साइज बढ़ सके। तो बल्ब के साइज को बढ़ाने के लिए अपन को लास्ट खुराक में जो अपने 6 एलिमेंट आते हैं उसके साथ ह्यूमिक एसिड है और फुलविक एसिड अपन ज़मीन के अंदर चला सकते हैं। उसके साथ अपन जैसे कि भाई NPK 0:52:34 आता है, जिसके अंदर फॉस्फोरस और पोटास होता है, उससे अपन प्याज का बल्ब का साइज भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अपने को खुराक देनी है। और एक अपने को बात मध्य नज़र रखनी है, जो सर्दी के प्याज है उनको एक टाइम लिमिट पर ही पानी देना है, ताकि इसके अंदर ज़्यादा ओवरफ्लो भी नहीं करना पानी, ताकि उसके अंदर सड़न ना हो। भाई अपने को एक सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर पानी देना है। अपन जल्दी जल्दी पानी देते रहेंगे तो इसके अंदर एक तो सड़न की समस्या होगी, और जो यहाँ का जो भाग है, देखिए आप, ये अपना बल्ब के ऊपर का भाग है, तो ये मोटा हो जाएगा तो अपने प्याज का साइज नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए थोड़ा पानी बीच बीच में रोकते रहें, जैसे कि 15 से 20 दिन का एवरेज अपने को पानी का रखना है, ताकि बल्ब का साइज बढ़ने लगे। तो अपन ये तो अपनी चर्चा हो गई अपने भाई सर्दी के प्याज के बारे में, तो आइए अपन चलते हैं गर्मी के प्याज के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी क्या टाइम लिमिट है अपने लगाने की, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। जैसे नर्सरी, तो अपने भाई ये अपने जो सर्दी के प्याज लगा रहे हैं अक्टूबर माह में, नवम्बर माह में, तो नवम्बर के लगभग अपने इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। रुपाई की मैं बात करूं जैसे गर्मी के प्याज की, तो गर्मी के प्याज की रुपाई अपने को जैसे कि नवंबर अपने दिसंबर के लास्ट वीक या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में अपन को तैयारी शुरू कर लेनी है। तो अपन को ट्रांसप्लांटिंग के लिए जनवरी का फर्स्ट वीक या दिसंबर का लास्ट वीक सबसे बेस्ट रहेगा। ये अपने आप रोप देख सकते हैं जो कि अपने गर्मी के प्याज के लिए तैयार हो रखी है। उधर आप दिखाइए, उधर प्लॉट भी अपना तैयार है पूरा समतल होके, उसके अंदर खाद, गोबर की खाद वगैरह डाल के सही तरीके से अपन ने प्लॉट भी तैयार कर लिया, ताकि अपन गर्मी का प्याज भी साथ में लगा दें और सर्दी का प्याज निकले, उसके बाद अपने को गर्मी का प्याज यानी दोनों फसलों में से एक फसल का अपने को अच्छी तरीके से भाव मिल पाए, ताकि भाई अपने को गर्मी वाले प्याज की अगर भाव अच्छा नहीं है तो सर्दी वाले प्याज के अपने को भाव मिल जाए। इसलिए आप प्याज की जब भी फसल करें तो दोनों को एक साथ करें, ताकि अपना तालमेल सही, क्योंकि कभी कभार होता है कि एक सीज़न में भाव मिल जाते हैं, एक सीज़न में नहीं मिलते, इसलिए आप दोनों सीज़न में प्याज करें, ताकि एक सीज़न का आपको भाव मिल सके। अपन मैं बात करूं अपनी ये जो गर्मी वाली पौध है इसकी, तो इसको अपन को किस तरीके से अपने को करना है,
जैसे अपने बीज का जैसे क्यारी बना रहे हैं अपने कोई भी पौध करने के, तो क्यारी का पहला रूल है आप देख सकते हैं ज़मीन से इसका उठा हुआ है क्यारी का, थोड़ा क्यारी का 1-1.5 फीट के लगभग आप ज़मीन से उठाव रखें ताकि इसके अंदर पानी का ज़्यादा भराव ना हो और उस पौध के अंदर सड़न या फिर कहना मतलब इसके अंदर सड़न ना हो और पौध अपनी ख़राब ना हो, तो इसलिए इसको थोड़ा ऊपर रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी है जो सिरे से रिसा होकर बाहर निकल सके। तो मैं बात करूं जैसे अपन ने इसके अंदर अपना सीड का छिड़काव कर दिया और उसको सही तरीके से क्यारी के अंदर मिला दिया, और जैसे ये अपने उगाव पे आने लगे सीड ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। जैसे फंगीसाइड अगर आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है तो इसके साथ पानी के साथ आप फंगीसाइड चला सकते हैं ताकि इसके अंदर खड़ी नर्सरी के अंदर सड़न ना आए। दूसरी बात मैं करूँ कि अपने को कभी कभार क्या ऊपर से फंगस की प्रॉब्लम होती है और अपनी जो पत्तियाँ हैं प्याज की वो जल जल के अपनी ख़त्म होने लगती है, उसके लिए आप एक अच्छा सा फंगीसाइड काम में ले सकते हैं और 6 एलिमेंट में कोई भी आप बढ़िया जो कंपनी का आता है 6 एलिमेंट वो काम में लेके एक स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये स्थायी रूप से अपने पूरा का पूरी नर्सरी एक जगह सीमित तरीके से ठहर सके ताकि इसमें से पौध ख़त्म ना हो। इसके बाद मैं बात करूँ इसकी रोपाई की, तो रोपाई अपने जैसे भाई जनवरी या दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी में अपने वो ट्रांसप्लांटिंग खेत के अंदर कर देनी है। खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इसको थोड़ा उसमें तो अपने सर्दी वाले प्याज में तो पानी का तालमेल थोड़ा डिस्टेंस था अपने भाई पानी थोड़े लंबे टाइम से दे रहे थे, इसमें थोड़ा तो जल्दी भी दे तो कोई तरह की दिक्कत ना आ सके। तो इसको एक तो सीमित दूरी पर रखें, गोबर की खाद बढ़िया तरीके से काम में लें और जो भी अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो पहली खुराक में दे दे और एक अच्छा फंगीसाइड चला दे। लास्ट खुराक के अंदर वही है अपना पोटास और अपनी जो फॉस्फोरस है वो चला सकते हैं जिससे अपने प्याज के बल्ब की साइज़ बढ़ जाए। बात करूं मैं भाई अपने को निकालना किस टाइप है, जैसे कि प्याज के अंदर 70% नेक फॉल गिरने लगे और बल्ब का साइज़ थोड़ा अच्छा हो जाए तो उस टाइम अपने को प्याज की फसल का बाहर निकाल के अपन मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। इसीलिए धन्यवाद मित्रों आपने वीडियो एंड तक देखा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आप तक मिलती रहेगी। धन्यवाद किसान मित्रों।